और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, मंगलवार का दिन, सप्तमी तिथि आज दोपहर 12:40 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। तो चूंकि अपराह्न में अष्टमी रहेगी इसलिए आज अष्टमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। याद हो कि षष्ठी और सप्तमी के श्राद्ध कल किए जा चुके हैं, तो आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और वह श्रेष्ठ विचारों का धनी होता है। और अब बात करते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:27 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप ही बुरे बनते हैं। साथ ही आज रात 9:54 तक मृक्षरा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृक्षरा 5वां नक्षत्र है। मृक्षरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृक्षरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृक्षरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं जिसके कारण इन्हें दूसरों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृक्षरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं जबकि शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। लिहाजा मृक्षरा नक्षत्र का प्रभाव वृष और मिथुन राशि पर रहता है। मृक्षरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृक्षरा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मृक्षरा नक्षत्र के दौरान खैर के पेड़, जिससे पान में लगने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। तो ये थी आज व्यतिपात योग, मृक्षरा नक्षत्र की चर्चा और अब बात करेंगे आज के कालाष्टमी व्रत और अष्टका श्राद्ध के बारे में। आज कालाष्टमी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। दरअसल भैरव के तीन रूप हैं, काल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव और बटुक भैरव। आज के दिन इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। कहते हैं आज के दिन भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। और अब आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण बात यानी माता महालक्ष्मी व्रत की। आपको याद दिला दूं कि 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत बीते 11 सितंबर से शुरू हुए थे और आज के दिन शाम के समय देवी माँ के पूजन के साथ महालक्ष्मी व्रत संपूर्ण होगा। आज हम आपको महालक्ष्मी व्रत की पूरी समापन विधि समझा देते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन माता महालक्ष्मी व्रत की समापन विधि के बारे में। पहले तो ये जान लीजिए कि आज शाम को पूजा के समय आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पूजा के लिए 2 सूप, 16 मिट्टी के दिए, प्रसाद के लिए सफ़ेद बर्फी, फूलमाला, तारों को अर्घ देने के लिए यथेष्ट पात्र, 16 गांठ वाला लाल धागा और 16 चीज़ें। हर चीज़ 16 की गिनती में होनी चाहिए, जैसे 16 लौंग, 16 इलायची या 16 सुहाग के सामान। और अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। शाम को पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में 16 गांठों वाला लाल धागा बांध लें जो आपने व्रत के पहले दिन बांधा था। फिर माता महालक्ष्मी के आगे 16 देसी घी के दीपक जलाएं और धूप दीप से देवी माँ की पूजा करें। साथ ही फूल चढ़ाइए, लेकिन ध्यान रहे देवी माँ को कभी भी हरसिंगार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा में हरसिंगार का फूल निषिद्ध है। फिर एक सूप में 16 चीज़ें 16-16 की संख्या में रखकर उसे दूसरे सूप से ढक दें और उसे माता के निमित्त दान करने का संकल्प करें। संकल्प के लिए ये मंत्र पढ़ें, क्षीरो दारणव संभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा, यानी
हे क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा की सगी बहन माता महालक्ष्मी, मैं ये सब कुछ आपके निमित्त दान कर रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर उस सूप को वहीं रखा रहने दे। अब दीपक में ज्योति जलाकर माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। आप पूजा शुरू करने से पहले ही इस मंत्र का अपनी इच्छानुसार संख्या में संकल्प लेकर जप करिए। फिर जैसा आपने संकल्प किया है उसके हिसाब से मंत्र जप कीजिए। जप के बाद माता महालक्ष्मी की आरती कीजिए और उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए। इस प्रकार पूजा आदि के बाद तारों को जल से अर्घ दीजिए और आरती कीजिए। इसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवनसाथी का हाथ पकड़कर, अन्यथा स्वयं ही 3 बार उत्तर दिशा के मुँह की ओर मुँह करके पुकारिए, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इस प्रकार जो व्रती हैं वो अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकालिए। अगर आप विवाहित हैं और आपने जोड़े में ये व्रत किया है तो देवी माँ और अपने साथ साथ अपने जीवन साथी के लिए भी थाली में भोजन निकालिए। साथ ही हो सके तो माता महालक्ष्मी के लिए चांदी की थाली में भोजन निकाल कर रखिए। भोजन के बाद अपनी थालियाँ उठा लीजिए, लेकिन माता की थाली को किसी दूसरी थाली से ढककर वहीं पर रखा छोड़ दें। अगले दिन सुबह माता के लिए निकाली थाली का भोजन किसी गाय को खिला दें और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में दान कर दें। इसके अलावा 16 गांठों वाले धागे को अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लें। इस धागे को अपने पास रखने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम चर्चा करना चाहेंगे। एक बात यह है कि शास्त्र कहता है चंद्रोदय होने पर तारे को अर्घ देना चाहिए। अब इसको 150 बार पढ़ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। चंद्रोदय होने पर तारे को या तारों को अर्घ देना चाहिए। तारा कौन है? चंद्रमा की पत्नी। 27 पत्नियां हैं चंद्रमा के, 27 नक्षत्र हैं, तारे हैं। लेकिन कब अर्घ देना चाहिए? जब चंद्रोदय हो जाए। तो इस महीने के इस पक्ष की इस तिथि को चंद्रोदय सामान्यतः 11 बजे रात में ही होता है। अब हमारे जैसे एक जानने वाले हैं तो उनकी धर्मपत्नी शाम को ही तारों को अर्घ दे देती और 16 स्त्रियों को बुला के भोजन कराने लगती। अब रात में 11:30 बजे दिल्ली में 11:32 पर चंद्रोदय है और दिखेगा वो और 10-5 मिनट बाद, तो 11:30 बजे रात में आपके यहाँ खाना खाने कौन आएगा ये बताइए। हम जब तक ये व्रत करते थे तो हमारी कोशिश होती थी हम, हमारी पत्नी और माता महालक्ष्मी, ये 3 ही थाली लगावा। क्यों? रात 11:30 बजे कौन किसी के यहाँ खाना खाने जाता है। लेकिन हम कहा ना, हमारे एक मित्र थे, उनकी धर्मपत्नी शाम को तारों को अर्घ दे करके उसके बाद हमको गणित भी समझाती थी कि तारों को अर्घ देना है ना। तो अब हम उनको बारहा कहें कि चंद्रोदय होने पर, लेकिन हम बहस करती थी, ब्राह्मण थी तो हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। अब क्या करें? तो जो लोग 16 स्त्रियां खिलाने के चक्कर में शाम को ही सब कुछ कर लेते हैं, तो भाई ये आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहें। हम यही बता सकते हैं, हमारा अनुभव यही कहता है कि हम चंद्रोदय होने के बाद जब चंद्रोदय हो जाए। अच्छा, मज़े की बात है, अब जैसे उनके हमारे उधर मित्र की धर्मपत्नी है वो हमको डपटती थी तो हमारी पत्नी भी हमको समझाने लगती थी, अरे भाई तारों को अरे देना है तो तुम चंद्रमा क्यों देख रहे हो? हम इसलिए देख रहे हैं कि शास्त्र में लिखा है चंद्रोदय होने पर तारों को अर्घ देना चाहिए, शास्त्र में ही लिखा है। और हम आज भी आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं व्रत की सफलता चाहिए तो चंद्रोदय होने पर ही तारों को अर्घ देकर तब खाना खाइए, ये आपको बता दूं। और दिल्ली में चंद्रोदय आज रात 11:32 पे है, तो ये सब ध्यान रखिए।
और ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बगैर चंद्रमा के उगे हुए चंद्रमा है ही नहीं, तो आप उसकी बीवियों को क्या मतलब जो आप अर्घ दे रहे हैं, क्या मतलब है? और 16 स्त्रियों को भोजन कराने के लिए कि 16 स्त्रियां भोजन करेंगी तो बड़ा आनंद हो जाएगा थोड़ा, अरे तुमको भोजन माता महालक्ष्मी कराना है भाई, माता पे ध्यान दो ना, उन 16 स्त्रियों पे आप तो ध्यान दे रहे हैं। अगर 16 स्त्रियां भोजन करने रात में 11:30 बजे आपके यहाँ आ सकें, उनका बहुत बहुत स्वागत, उनके चरणों में वंदना। लेकिन अगर कोई रात 11:30 बजे नहीं आ सकता तो माता महालक्ष्मी पे ध्यान दो भाई, व्रत आप उनका कर रहे हो। जब चंद्रमा उदित हो जाए, तब चंद्रमा सामने हो, तब आप उसकी पत्नी को अर्घ दीजिए, तो चंद्रमा भी प्रसन्न होगा। बात समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये थी आज के दिन माता महालक्ष्मी व्रत के समापन की विधि की चर्चा। इसके अलावा कुछ ऐसे खास उपाय भी हैं जिन्हें करके आप अपनी संपदा में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने कामों में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन खास उपायों की। अगर आप माता महालक्ष्मी की कृपा से अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज उत्तर दिशा की ओर मुँह करके कनक धारा स्तोत्र पढ़ते हुए दूध की धारा से माँ लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। यदि आपको कनक धारा स्तोत्र याद ना हो और आपके पास उसे पढ़ने के लिए पुस्तक भी ना हो, तो माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका सुंदर ध्यान करते हुए दुग्ध धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक कीजिए। लेकिन अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति ना हो जिसका अभिषेक किया जा सके, तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक साफ बर्तन रखिए और लक्ष्मी जी को देखते हुए इस भाव से कि आप उनका अभिषेक कर रहे हैं, उस बर्तन में दूध की धारा अर्पित कीजिए। बाद में उस थाली के दूध को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। इस प्रकार ये उपाय करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और व्यक्ति को अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। अगर आप दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कार्य करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो अपने कामों में सफलता पाने के लिए आज देवी माँ को कमल का फूल या कोई अन्य लाल फूल चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज आप देवी माँ को तेज पत्ता चढ़ाइए, साथ ही देवी को कत्था युक्त पान का भोग भी लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो ये थी आज किए जाने वाले कुछ खास उपायों की चर्चा। साथ ही आपको ध्यान दिला दूं कि महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत में हमने आपको इस व्रत के दौरान आपकी राशि के अनुसार कुछ खास चीज़ों से होम यानी हवन के बारे में बताया था और कहा था कि ऐसा करने से आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन अगर आप महालक्ष्मी व्रत के बीते दिनों के दौरान किन्हीं कारणों से हवन न कर पाए हों, तो आप आज भी अपनी राशि के अनुसार हवन करके माता महालक्ष्मी की अपार कृपा पा सकते हैं। तो आज आपको अपनी राशि के अनुसार किस चीज़ से हवन करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, आज आपको सफ़ेद तिल से हवन करना चाहिए। वृष राशि वालों, आपको घिसे हुए नारियल की गिरी में घी मिलाकर हवन करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घी से युक्त नंद्यावर्त के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मी वल्ली जिसे मेष श्रृंगी भी कहते हैं, उससे हवन करना चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें न मिले तो इनमें से जो भी चीज़ें मिलें उनसे हवन कीजिए। कर्क राशि वालों, आज आपको काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ और घी में पके हुए पुओं का हवन करना चाहिए। सिंह राशि वालों, आज आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घी में मदार की लकड़ी डुबोकर हवन करना चाहिए। कन्या राशि वालों, आज आपको गुड़ मिश्रित जौ, तिल और चावल से हवन करना चाहिए। तुला राशि वालों, आज आपको दूध और चावल की खीर से हवन करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज आपको घी में दूर्वा भिगोकर हवन करना चाहिए। धनु राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज आपको चावल से हवन करना चाहिए। मकर राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज आपको घी में गिलोय डुबोकर हवन करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज आपको मधु, घी
और शक्कर से युक्त बेल के फलों से हवन करना चाहिए। मीन राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमल के ताजे या सूखे फूलों को जल में भिगोकर हवन करना चाहिए।